इन प्राथमिक बातों का ध्यान रखकर आप अपने सेक्स जीवन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि वो सारी जिंदगी के लिए आपके लिए यादगार बन जाए। सेक्स पहली बार हो या दूसरी बार, लेकिन उसको सही तरीके से करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेक्स करने का सही तरीका ही दोनों पार्टनर को और ज़्यादा करीब लाता है, लेकिन सबसे मुश्किल की बात यह है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही नॉलेज है। बहुत लोगों के मन में इसके बारे में बहुत सवाल होते हैं कि कैसे सेक्स की शुरुआत की जाए, इसलिए आज के इस वीडियो में कुछ बातों के बारे में एक एक करके बताया जा रहा है, जिसके द्वारा आप सेक्स की शुरुआत अच्छी तरह से कर पाएंगे और ये भी बताएंगे कि सेक्स करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, आराम प्रदान करने वाली जगह का चुनाव करें। सेक्स करने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जो जगह आपके मन और शरीर दोनों को आराम पहुंचा सके। नंबर टू, सेक्स करने के लिए कभी भी पार्टनर को फोर्स ना करें, पार्टनर के साथ जबरदस्ती ना करें। यौन संबंध स्थापित करने का सबसे पहला नियम है प्यार। इस नियम को कभी ना भूलें, क्योंकि जबरदस्ती प्यार नहीं, एक्रोसिटी अत्याचार होता है। आप दोनों को एक दूसरे के इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, तभी एक अच्छा सेक्स जीवन शुरुआत कर सकते हैं। यह सभी हो सकता है जब आप एक दूसरे से खुलकर अपने मन की बात कहेंगे। नंबर थ्री, प्यार भरा स्पर्श और किस करना। शारीरिक संपर्क स्थापित करने से पहले प्यार भरा संपर्क स्थापित करना जरूरी होता है। ज़्यादातर लेडीज को सेक्स संबंध स्थापित करने से पहले मानसिक रूप से तैयार होने के लिए किस करना, उनके प्राइवेट पार्ट को टच करना अच्छा लगता है। इसके द्वारा वो धीरे धीरे सेक्स के लिए मेंटली तैयार होने लगती है। नंबर फोर, फोर पेले का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये फोर पेले क्या है, इसे जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाकर वीडियो देख लें। फोर पेले का महत्व पुरुष नहीं देते हैं, मगर महिलाओं को सेक्स के लिए उत्तेजित करने के लिए फोर पेले बहुत ज़रूरी होता है। सेक्स करने से पहले किस, आलिंग, आंतरिक अंगों में प्यार का स्पर्श, ये सब जरूरी होता है। ये सब उन्हें मानसिक रूप से सेटिस्फाइड करती। उसी तरह पुरुषों के शरीर को भी महिलाओं के प्यार भरे स्पर्श की जरूरत होती है, तभी उनका शरीर सेटिस्फाइड होता है। नंबर फाइव, सही समय का इंतजार। सेक्स शुरू करते ही पेनिट्रेशन यानी पेनिस को योनि के अंदर प्रवेश करना सबसे बुरा व्यवहार होता है, क्योंकि इससे दोनों के बीच प्यार का बंधन नहीं, सिर्फ मात्र एक काम को करने की अनुमति होती है। जब आपका साथी पूरी तरह से अपने चरम अवस्था में पहुंच जाए, तभी पेनिट्रेशन का सुख भोग करें। पेनिट्रेशन के बाद पुरुष को अपने सुख के साथ पार्टनर्स की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों को अपने मन की बात एक दूसरे को बतानी चाहिए, ताकि दोनों सेक्स का पूरा आनंद उठा सके और एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर सके। सेक्स का आनंद उठाने के लिए एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेक्स संबंध स्थापित करने के तुरंत बाद ही अलग नहीं होना चाहिए, जैसे कि काम हो गया चलो अब चलते हैं, बल्कि एक दूसरे का प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ गले मिलना चाहिए, किस करना चाहिए, हग करना चाहिए। इससे दोनों के बीच का रिलेशन और भी गहरा होता है, मजबूत। सेक्स करने के बाद अपनी खुशी को जाहिर करें, आपको इस संबंध से कितनी संतुष्टि मिली है इस बात को जाहिर। अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल किया है तो कागज में रेप करके डस्टबिन में फेंक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।